पवित्र माटी के आमे प्रणाम करे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ब्रिगेड मैदान से कभी निश्चय करना तय किया है। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे। ओशन परिवर्तन आछे, ओशन परिवर्तन आछे। भाजपा आएगी तब क्या होगा? भाजपा जब आएगी मायर पूजा हो गई, माते तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। साथियों, आज जब मैं बांकुड़ा आया हूं तो यहां रामपाड़ा के बहनों भाइयों को भी विशेष तौर पर राम राम कहूंगा। रामपाड़ा में आप राम पुकारेंगे तो हर घर से राम निकलेगा। वनवासी समाज के भाई बहन, वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथ ही रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है, किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनी। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पीड़न नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है, नल कहां है दीदी, जल कहां है दीदी, यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? बंगाल के गरीब लोगों के पैसे से मालामाल हो रहे हो। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना तो बढ़ेगा ही। जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैम करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना। स्कैम करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना, और ये बात टीएमसी को भी अच्छी तरह पता चल गई है। इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए। अभी दीदी क्या कह रही है? अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। 10 साल जिस ईवीएम ने उन्हें सत्ता सौंपी, वही ईवीएम अब उन्हें रात नहीं आ रहा है। साफ है दीदी, दीदी आपको पराजय दिन में भी दिखता है, पराजय रात में भी दिखता है।